अक्सर मई के महीने में फलों की रानी लीची बाजार में पहले आकर फलों के राजा आम को पछाड़ देती है। अगर बाजार में लीची के फल चमकदार और अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो लोग मुंह मांगा दाम देते हैं। इसी वजह से अब लीची की बागवानी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले तक सीमित ना रहकर अब देश के कई इलाकों में इसके बाग दिख जाएंगे जो अभी फलों से लदे हैं। तो क्यों ना लीची की बागवानी करने वाले किसान अपने बगीचे में ऐसा प्रबंधन करें ताकि बम्पर फलत के साथ ही बेहतरीन क्वालिटी फल भी मिले। फलों को वातावरण की सही नमी ना मिलने पर उसके छिलके फटने लगते हैं, इससे आपके फल डैमेज होंगे तो उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए फल तैयार होने के वक्त तक कुछ कुछ दिनों तक फूलों को हल्की फुहार देते रहें। इसमें कई बार गोबर के साथ चूने का इस्तेमाल बेहतर होता है। 1 किलो DAP, आधा किलो यूरिया, आधा किलो पोटास तो देना चाहिए। उसमें कम से कम 10 किलो प्रति थाला गोबर की सड़ी खाद और 400 ग्राम चूना बुझा हुआ अवश्य मिलाना चाहिए, क्योंकि चूना से फल का जो गुण है वो फटते नहीं हैं, और जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो उस दशा में इनके फटने की संभावना बढ़ जाती है। ऊपर बताए गए सारे उपायों को आजमाने के बाद भी अगर कहीं लीची का रंग फीका रह गया तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए एक्सपर्ट की राय पर जरूर अमल करें। इसमें रंग की बात है, रंग आने की बात है, तो जो चूने की मात्रा, पोटाश की मात्रा, सड़ी हुई गोबर की मात्रा अगर वर्ष में 2 बार हम नियमित रूप से दें तो इसमें जो कलर होता है, क्योंकि लीची में कलर नहीं होता है तो उसका बाजार प्रभावित होता है, पिगमेंट जिसे हम कहते हैं, उसके लिए इन उर्वरकों का प्रयोग बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर किसान भाई पेड़ पर प्रति पेड़ 5 से 6 ग्राम बोरान का अगर प्रयोग करें, जिसे सुहागा कहते हैं, तो उसमें जो गुच्छे होते हैं या फल की साइज होती है या फल का रंग होता है वो चमकीला हो जाता है, कोई दाग धब्बा नहीं आता है। इस तरह अगर आपने इन सारे प्रबंधनों को समय से लीची के बागों में इस्तेमाल कर दिया तो बेहतर क्वालिटी की उपज लेकर लीची के बाग से ज्यादा आमदनी ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।